पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वे लंबे समय से कुटलेहड़ में भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और इस दौरान भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि टिकट न मिलने से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि पिछले 15 महीनों में जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया था उससे वे आहत थे। कंवर ने कहा कि राष्ट्र और संगठन के लिए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए वे आगे भी काम करते रहेंगे। वहीं संसदीय क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने को लेकर कंवर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भाजपा की परंपरागत सीट है और इस बार भी अनुराग ठाकुर पांचवी बार जीत दर्ज कर भाजपा के 400 पार के नारे को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी का जो विजन है कि 2047 में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमारी प्रतिबद्धता उसके लिए है। जो लोकसभा को भी जिताने का दायित्व दिया गया है अनुराग जी के साथ मिल करके, और अनुराग जी के लिए जो भी हमको करना पड़े, एक प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से 10 बार लगातार इस लोकसभा को जीती रही है, तो निश्चित रूप से 11वीं बार भी और अनुराग जी 5वीं बार इस लोकसभा को जीतेंगे। ये हमारी परंपरागत सीट है और हम इसको जिता करके मोदी जी का विजन की अब की बार 400 पार उसको हम पूरा करेंगे।